ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री जो कि 11th चैप्टर है 10th क्लास में, उसका एक्सरसाइज नंबर 11.4 है। और हमारे पास हम जो फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर 3 बिट्स है, तो 3 बिट्स में से हम पहले फर्स्ट बिट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट बिट के लिए पहले जो मैं गिवन है वो लिख लूँगा 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosecant थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस, हमको मालूम है tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा बोले तो क्या होता, sin थीटा बाई cos थीटा, सो हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा प्लस secant थीटा, secant थीटा की वैल्यू कितनी है 1 बाई cos थीटा 1 प्लस cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू कितनी है cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, सो cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cosecant थीटा, व्हाट इज द वैल्यू 1 बाई sin थीटा। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, और यहाँ पर भी 1, सो अब क्या करेंगे 1 cos थीटा का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या मिलेगा हमको एलसीएम cos थीटा, तो cos थीटा एलसीएम मिल गया। नेक्स्ट 1, अब क्या करेंगे cos थीटा 1 cos थीटा प्लस cos थीटा 1 cos थीटा, सो 1 sin थीटा प्लस 1 1 1। नेक्स्ट नाउ वी विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ 1 एंड sin थीटा, तो कितना है एलसीएम sin थीटा है। देन नेक्स्ट sin थीटा 1 sin थीटा प्लस 1 cos थीटा cos थीटा sin थीटा 1 sin थीटा, सो 1 1 1। नेक्स्ट अब क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, cos थीटा इंटू sin थीटा क्या मिलेगा हमको sin थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ इतनी वैल्यू, ये कैसे फॉर्म में है, ये a प्लस बी और a माइनस बी ये फॉर्मूले में है, तो वो फार्मूला यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वॉट इज़ द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a की जगह पे है हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा, अगर मैं cos थीटा प्लस sin थीटा लिखूँ तो भी सेम, और sin थीटा प्लस cos थीटा भी लिखे तो सेम, सो a की जगह पे क्या है वैल्यू sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके नेक्स्ट ये कौन से फॉर्मूले में है, अगर यहाँ पर हम गौर से देखें तो ये फार्मूला यहाँ पर है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो हियर इन द प्लेस ऑफ a sin थीटा है, इन द प्लेस ऑफ b cos थीटा इज देयर, सो a स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा 2ab। ओके नेक्स्ट माइनस 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, नेक्स्ट sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा ये क्या है sin square theta प्लस cos square theta, ये एक आइडेंटिटी है, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है sin square theta प्लस cos square theta इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1, सो 1 प्लस 2 sin theta cos theta माइनस 1 बाई sin theta cos theta प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। नेक्स्ट इज 2 sin theta cos theta बाई sin theta cos theta, सो sin theta cos theta गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, नेक्स्ट वैल्यू इज 2। नेक्स्ट बिट इज
sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta whole square. ओके सो ये कौन से फॉर्मूले में है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है. तो a की जगह पे क्या है हमारे पास वैल्यू साइन थीटा, b की जगह पे वैल्यू है कॉस थीटा. ओके सो हम लिखेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा. ओके सॉरी कॉस थीटा. ये कौन से फॉर्मूले में है, a माइनस बी होल स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा. ओके प्लस टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा विल गेट कैंसल. नेक्स्ट दिस इज द आइडेंटिटी वी नो दैट सो वी विल राइट इट अगेन. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह है आइडेंटिटी और ये भी है आइडेंटिटी. ओके सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू इज वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू इज वन. सो वन प्लस वन इज टू. नेक्स्ट वी नो द आइडेंटिटी secant square theta minus tan square theta is equals to 1. This is the identity. And अगर मैं tan square theta को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ और 1 को यहाँ पर सेंड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, secant square theta minus 1 is equals to tan square theta. Okay? Next one is cosecant square theta minus cot square theta is equals to 1. This is the second identity. So अगर हम क्या करेंगे, cot को वहाँ पर भेज देंगे और 1 को यहाँ पर ला लेंगे. So cosecant square theta minus 1 is equals to cot square theta. Okay? So cosecant square theta minus cot square theta, cosecant square theta minus 1 is equals to cot square theta. ये दो values हम इसमें substitute करेंगे. So यहाँ पर क्या मिलेगा, secant square theta minus 1 is tan square theta and cosecant square theta minus 1 is cot square theta. So cot square theta, जैसा कि हम आपको मालूम है cot की वैल्यू कितनी है, reciprocal of tan theta. So tan square theta into 1 by tan square theta. So this tan square theta will get cancelled. What is the answer? 1.